और ऐसा कौन सा डर है और क्या हो जाएगा अगर सब विपक्षी दलों को या सभी दल को, सत्ता पक्ष के भी दलों को अगर पांच पांच मिनट अगर मौका मिल जाए तो, और इसमें हम लोगों को भी तो पता चल सके कि नीतीश कुमार जी का बिहार के मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है, क्योंकि सवालों के घेरे में, गंभीर सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री को भी घेरा गया, वो भी कोई और नहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने। तो हम लोगों को लगता है अब अविश्वास जो आसन के प्रति हम लोगों का बनता जा रहा है। IVTV देखता है इंडिया। और ऐसा कौन सा डर है और क्या हो जाएगा अगर सब विपक्षी दलों को या सभी दल को, सत्ता पक्ष के भी दलों को अगर पांच पांच मिनट अगर मौका मिल जाए तो, और इसमें हम लोगों को भी तो पता चल सके कि नीतीश कुमार जी का बिहार के मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है, क्योंकि सवालों के घेरे में, गंभीर सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री को भी घेरा गया, वो भी कोई और नहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने। प्रशासन होम मिनिस्टर नीतीश कुमार जी है और जायसवाल जी का था कि पुलिस के सामने जो है भाजपा के दफ्तरों को आग लगाया गया। उनका ये कहने का ताल्लुक था कि प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा, प्रशासन जो है अगजनी की छूट दे रखा, यानी साफ साफ इंजाम जो था वो बिहार के मुख्यमंत्री पर लगाया गया। और खामोशी और चुप्पी से तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन इसमें तो कम से कम सही प्लेटफॉर्म तो यही है ना, बिहार विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री का भी राय पता चल सके कि भाई वो क्या चाहते हैं। इस प्रस्ताव से उनको भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का, सब दलों को मिलता। ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक हाउस चलता, 5:30 बजे तक चलता, लेकिन हाउस तो ढंग से चलता। तो हम लोगों को लगता अब अविश्वास जो आसन के प्रति हम लोगों का बनता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। अविश्वास जब हम लोगों के मन में हो रहा है तो हम लोग ही नहीं पैदा कर रहे, बल्कि आसन को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। साथ लेकर के चलना, मौका देना, एक तरफा होता है, ब्लंटली होता है, प्रस्ताव देने से पहले ही खारिज कर दिया जाता है, प्री माइंडेड होते हैं। तो इसलिए हम लोगों की बात को तो सुना नहीं गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब लोकतंत्र के मंदिर में, उसी मंदिर में जब विधायकों की पिटाई हुई थी, अब बात नहीं सुनी जा रही, सभी विपक्षी दलों को 5 मिनट भी अगर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं आता। तो हम लोग सब लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक हमारे प्रस्ताव को मंजूर नहीं करेंगे, बहस कराना नहीं कराना, अगर ना भी कराए, प्रस्ताव को मंजूर भी ना करें, तो कम से कम 5-5 मिनट सब दल के लोगों को मौका दे दे अपनी प्रतिक्रिया देने का, बात को रखने का। कई लोगों की उम्मीद है, हम लोग, जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि हम लोगों के लिए क्या पूछ रहा है। अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो हाउस जाने का क्या मतलब है, जब आपको पहले से ही सब कुछ तय कर लेना है तो हम लोगों का क्या काम है, फिर तो विधानसभा का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 2 बजे से जो सत्र शुरू होगा, इसका हम लोग सभी विपक्षी दल के जितने सदस्य हैं सभी लोग हाउस का बहिष्कार करेंगे, और कल फर्स्ट हाफ में हम लोग कर्पूरी जी के, ठाकुर जी के प्रतिमा के समक्ष हम लोग जो है धरना देंगे, सभी विधायक विपक्षी दलों के।